हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कौन। आज इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज सेकंड। तो एक्सरसाइज सेकंड में मोस्टली जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कौन की इक्वेशन फाइंड आउट कराएगा, जिसमें वर्टेक्स आपको गिवन होगी। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें हमें वर्टेक्स क्या गिवन थी, ओरिजिन पर, यानी कि उसके पॉइंट्स आपको 0 0 0 गिवन थे। तो सभी क्वेश्चन हमारे ईजी हो रहे थे, ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे। तो इसमें आपको वर्टेक्स के पॉइंट गिवन होंगे और बेस कर्व आपको गिवन होंगे। तो देखिए इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मेथड समझिए। आपको लाइन की इक्वेशन पता है क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल y माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम। ओनली मेथड समझा रही हूँ पहले में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से देखिए x1 y1 z1 क्या होगा, वो वर्टेक्स पे जो पॉइंट आपको गिवन होंगे वहाँ यहाँ पे आपको उनकी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट गिवन होगा वो x1 y1 और z1 की वैल्यूज होंगी। उसके बाद में जो आपकी इक्वेशन आएगी वहाँ से आपको देखना है जो बेस कर्व होगा उसमें आपको टर्म क्या दे रखी होंगी, z इज इक्वल्स टू जीरो है, x इज इक्वल्स टू जीरो है या y इज इक्वल्स टू जीरो है। जो भी टर्म होगी उससे आप क्या करोगे, इक्वेशन इस पर ऐड करोगे इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में वो वैल्यू आप पुट कर दोगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में z की वैल्यू पुट करने के बाद में जो टर्म आपके पास आएंगे आप उससे क्या करोगे, x और y की वैल्यूज निकालोगे, और जो आपको बेस कर्व की दूसरी वाली इक्वेशन गिवन होगी उसमें x और y के वो पॉइंट्स सेटिस्फाई करोगे, यानी कि जो x और y पॉइंट की आप वैल्यू निकालोगे वो इस इक्वेशन में पुट करके इसमें सेटिस्फाई कराओगे। तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी उस कंडीशन में वहां पे क्या करोगे, आप जो एल एम एन ये वाले जो टर्म्स है ना इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे, यानी कि अगर एल अपॉन एन आ रही है, एम अपॉन एन आ रही है, यानी कि एल एम आ रही, किसी भी टाइप से अगर ये वाले टर्म्स आ रही है तो इनको आपको रिप्लेस करना होगा किससे, एक्स जेड वाले फॉर्म से। तो एल अपॉन एम यानी कि एल एम एन ये जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है इनकी फॉर्म में आपको इक्वेशन को नहीं लिखना, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, आपकी कौन की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इतना आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले तो इसमें भी क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू यहां से देखिए वर्टेक्स पे पॉइंट आपको अल्फा बीटा गामा गिवन है, इट मींस ये एक्स वन की वैल्यू है, ये वाई वन की और ये जेड वन की। तो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा अपॉन एल, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन की वैल्यू कितनी आ गई, गामा अपॉन एम, ठीक है। इसको लेट कर लेना क्या आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गिवन दैट आपको दिया हुआ क्या है, z इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे z के प्लेस में जीरो पुट करोगे इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एल, और z के प्लेस पुट करोगे तो यहां से टर्म क्या आएगी आपके पास में, माइनस के गामा अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है, माइनस के गामा अपॉन एन। अब क्या करोगे, एक बार तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल को किसके इक्वल पुट करोगे, माइनस के गामा अपॉन एन के इक्वल पुट करोगे। यहां से देख लेना एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल को जब आप माइनस गामा अपॉन एन के इक्वल पुट करोगे, इंप्लाइज दैट यहां से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। नीचे का आपको चलो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्लियर, यहां से देख लेना यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, ये टर्म इधर आएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी, माइनस के गामा l अपॉन n में। तो यहाँ पे माइनस अल्फा दूसरी साइड जाके प्लस अल्फा हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो अल्फा माइनस गामा l अपॉन n। सिमिलरली अगर आप y माइनस बीटा अपॉन m को किसके इक्वल पुट करते हो, माइनस के गामा अपॉन n के इक्वल पुट करते हो। तो यहाँ से देखिए अगर आप y की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, ये टर्म इधर जाएगी माइनस के गामा m अपॉन n, और ये माइनस बीटा दूसरी साइड जाके प्लस बीटा हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, बीटा माइनस m गामा अपॉन n। अब ये जो x y की वैल्यूज आई इसको आप किस में पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में, चाहे तो आप यहाँ पे लिख देना गिवन दैट z इज इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट एंड ax स्क्वायर, अच्छा इसको सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेना, प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इसको ऐड कर लेना आप इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट को याद रखना बच्चों, चाहे तो मैं यहाँ से आपको साइड में एक बार वैल्यूज निकलवा रही हूँ, फिलहाल देख लीजिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट में आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ में रखो और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, एल अपॉन एन की, तो एल इधर जाएगा तो जेड माइनस गामा टोटली इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एल अपॉन एन किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा के इक्वल। अगर इन दोनों को इक्वल पुट करते हो तो यहाँ से ये एम इधर जाएगा, तो इट मीन्स एम अपॉन
इक्वल आएगा गामा माइनस सॉरी वाई माइनस बीटा और अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस गामा। ठीक है, ये वैल्यूज ध्यान रखना। अब ये जो x और y की वैल्यू आई ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को। द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या आ गए आपके पास में, x की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस गामा l अपॉन n और y की वैल्यू क्या है बीटा माइनस m गामा अपॉन n और z की वैल्यू क्या है जीरो। तो ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन थर्ड को, इज विल सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में जरा वैल्यूज पुट करना है इन सभी की। a x स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है आपके पास में अल्फा माइनस गामा l अपॉन m इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस b y की वैल्यू क्या है बीटा माइनस m गामा अपॉन n का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में क्या है 1 चल रहा है, इज इक्वल्स टू में 1। उसको साइड में वहीं पे नोट कर लेना अलग से इक्वेशन फर्स्ट के पास में। अब ये जो इक्वेशन आई इसको क्या कर दोगे आप, सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया एल और एन को हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पे एल अपॉन एन और एम अपॉन एन की वैल्यूज पुट करोगे जो हमने अभी निकाली तो टर्म आ जाएगी ए अल्फा माइनस गामा एल अपॉन एन के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा को बड़ा ब्रैकेट लाइन कर लेना प्लस के बी इंटू बीटा माइनस एम अपॉन एन के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे क्या ही वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में चल रहा है 1। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे देखिए कैसे, जेड माइनस गामा की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे टर्म बन जाएगी क्या अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा माइनस गामा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस गामा एक्स माइनस माइनस प्लस के अल्फा गामा। ठीक है, और होल स्क्वायर चल रहा है तो इट मींस इसका तो स्क्वायर आप अलग लिख सकते हो और अपॉन में जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर आप अलग लिख सकते हो, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखिए क्या है प्लस के बी, इसमें भी सेम ऐसे करोगे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे बीटा जेड माइनस के बीटा गामा और माइनस गामा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के वाई गामा और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा बीटा गामा, ये बीटा है और ये इंटू में गामा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 1 चल रहा है। तो यहाँ से क्या करोगे इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से ऊपर देखिए देखिए अपॉन में यहाँ पे भी जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर कॉमन लेके उधर पूछा दो तो यहाँ से टर्म क्या बचेगी अल्फा, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से गामा अल्फा कैंसिल आउट बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल आउट तो यहाँ से टर्म क्या बचे इंटू में अल्फा जेड माइनस एक्स गामा का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा जेड माइनस वाई गामा का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया ये जो जेड माइनस गामा है दूसरी साइड गया तो जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई आपके पास में इक्वेशन आ गई कोण की जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसी के साथ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी मेथड से आपको सभी क्वेश्चंस करनी है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड बीस कर्व एज जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by x इज इक्वल्स टू 0 इज गामा x माइनस अल्फा z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by इनटू अल्फा माइनस x इनटू अल्फा y माइनस बीटा x। तो आपको प्रूफ करके दिखानी है कि कौन की इक्वेशन जिसकी वर्टेक्स पॉइंट आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा और बेस कर्व आपको गिवन है जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो उस कौन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी इस क्वेश्चन में, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रोसेस आपका वही रहेगा जो इसके फर्स्ट पार्ट में रहा है, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे लाएंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब कोई भी क्वेश्चन है अगर आप उसको बिल्कुल एज अ मेथड लेके चलते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलिए हर एक क्वेश्चन को तो आपका वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, उस कैलकुलेशन थोड़ी किसी में कम हो जाती है किसी में ज्यादा। तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, एक्स माइनस अल्फा के प्लेस पे आप पॉइंट्स पुट करो अल्फा अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा की सॉरी वाई वन की वैल्यू कितनी है बीटा अपॉन एम जेड माइनस जेड वन की वैल्यू है गामा अपॉन एन। तो ये जो इक्वेशन आई इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आपको गिवन क्या क्या है ये देखिए, गिवन दैट
और बी वाई, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन सेकंड, एंड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन थर्ड में, लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो माइनस के अल्फा अपॉन एल किसके इक्वल आ गया, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एम। इसमें भी एक चीज का ध्यान देना क्या कि अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो वैल्यूज देखिए यहाँ पे अगर आप किसकी वैल्यू निकालो, अगर ये दोनों इक्वेशन आप इक्वल रखो तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एम अपॉन एल की। तो एम अपॉन एल किसके इक्वल आएगा, वाई माइनस के बीटा अपॉन माइनस अल्फा के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा हमें सॉरी एक सेकंड का ध्यान देना बच्चों, यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यूज किसकी, जो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है वाई और जेड, क्योंकि एक्स तो क्या है जीरो है इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ से आपको एक्स इज इक्वल्स टू तो क्या मिल गया, जीरो मिल गया। वाई की वैल्यू देखना, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल रखते हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि माइनस के एम अल्फा अपॉन एल, और ये माइनस बीटा दूसरी साइड जाके प्लस बीटा हो जाएगा। जेड की वैल्यू निकालोगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपके पास में इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखिए, यहाँ से देखिए टर्म क्या आ जाएगी, ये एन की इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के एन अल्फा और अपॉन में कितना आ जाएगा एल, और ये माइनस गामा दूसरी साइड जाके प्लस गामा हो जाएगा। तो अब आपको एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट्स मिल चुके, ठीक है। एक बार जरा इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, यहाँ पे हमें इन पॉइंट्स के लिए एम अपॉन एल और एन अपॉन एल की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से जरा एम अपॉन एल की वैल्यू निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको, साइड में आप इनको नोट कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट से। तो एम अपॉन एल किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, वाई माइनस के बीटा अपॉन एक्स माइनस एल्फा, और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एन अपॉन एल की। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखोगे, एन इधर जाएगा तो एन अपॉन एल किसके इक्वल आ जाएगा, जेड माइनस गामा अपॉन एक्स माइनस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉइंट्स आए वो देखिए क्या क्या आएंगे, सो द पॉइंट्स, सो द पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास में, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आई बीटा माइनस एम अल्फा अपॉन एल, और z की वैल्यू क्या आई, गामा माइनस एन अल्फा अपॉन एल। ये सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, विल सेटिस्फाई सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड को, विल सेटिस्फाई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास में ये रही, यहाँ पे z स्क्वायर है तो z की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये पुट कीजिए कितना आ जाएगा, गामा माइनस n अल्फा अपॉन l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b इनटू y, y की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये रही बीटा माइनस m अल्फा अपॉन l। यहाँ से क्या करोगे आप, n अपॉन l और m अपॉन l की जो वैल्यूज आई है उनको पुट करोगे और फिर जो इक्वेशन आएगी वो किसकी होगी, कौन की इक्वेशन होगी। सो गामा माइनस अल्फा n अपॉन l के प्लेस पे क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यू z माइनस गामा अपॉन n माइनस अल्फा, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल्स टू 4b बीटा माइनस अल्फा, m अपॉन l के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे क्या, y माइनस के बीटा अपॉन x माइनस के अल्फा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए जरा, कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां से सॉल्व करोगे कितना आएगा, गामा n माइनस अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई करो मैं डायरेक्टली, गामा n माइनस अल्फा गामा माइनस इसकी करोगे अल्फा z माइनस माइनस प्लस के अल्फा गामा का होल स्क्वायर, अल्फा गामा से ये अल्फा गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है आपके पास में, 4b इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बीटा x माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा वाई माइनस माइनस प्लस के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ऊपर देखिए यहां पे टर्म कितनी आ जाएगी, गामा एन, अच्छा यहाँ पे एन नहीं बच्चा, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स आएगा, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ गई, गामा एक्स माइनस अल्फा जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आया, 4b बीटा एक्स माइनस अल्फा गामा, ये क्या आ गई आपके पास में, इक्वेशन आ गई जो कि आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान और कीजिएगा, क्या हमने एक चीज छोड़ दी, यहाँ पे कितना था, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर भी तो चल रहा था, तो अपॉन में टर्म कितनी आएगी, ये वाली टर्म
टर्म देखिए, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी अपॉन में क्या था, x माइनस अल्फा था, तो यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर टू है, तो इसकी एक पावर से एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसके अपॉन में x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा की इधर भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में x माइनस अल्फा भी तो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसमें आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई टर्म देखिए, ये प्रूफ करनी है ना हमें यहाँ पे, माइनस साइन की और गड़बड़ है, माइनस साइन की क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये टर्म आपकी माइनस की आएगी और ये प्लस की आएगी, अगर आप इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हो तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, तो माइनस माइनस जो कॉमन लिया है वो उनकी मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म क्या बचेगी, गामा एक्स माइनस अल्फा जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, इसको आप लिख सकते हो अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स इंटू अल्फा माइनस एक्स। अब आपका प्रॉपरली वही प्रूफ हो गया जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे, नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको अपने आप करना है, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा जो कि हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन पुट लिखोगे, लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद में जो आपको वर्टेक्स पॉइंट गिवन हो, जैसे तो इसमें तो अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, इसमें आपको 1, 2, -2 दिए हुए हैं, तो वे वैल्यूज पुट करने के बाद में जो आपके टर्म आए उसमें आप जेड इज इक्वल्स टू 0 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी जेड इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो जेड के प्लेस पे 0 पुट करके वहां से आप क्या करोगे इक्वेशंस को इक्वल रखोगे। इक्वेशन आपको इक्वल कौन कौन सी रखनी है, जैसे कि जेड इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो ये थर्ड वाले में होगा पार्ट में, तो फर्स्ट और थर्ड को एक बार इक्वल रखोगे, एक बार सेकंड और थर्ड को इक्वल रखोगे, सेम इससे फोर्थ वाले में भी ऐसी करोगे, तो वहां से आपको एक्स और वाई पॉइंट की वैल्यूज मिल जाएंगी, उन एक्स और वाई पॉइंट्स की वैल्यूज जो आएंगी वो आप ये वाले जो कर्व्स हैं इनमें पुट कराओगे। ठीक है, तब जो इक्वेशंस आपकी आएंगी उसमें आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए, जैसे कि एल अपॉन एम की चाहिए या एम अपॉन एल की चाहिए या एन अपॉन एल की चाहिए या एम अपॉन एल की चाहिए, किसी की टर्म की वैल्यू चाहिए जो आपकी इक्वेशन होगी लाइन की, वहां से आप उनकी वैल्यूज निकाल के इक्वेशन में पुट कर दोगे, उसके बाद में कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो आपका कौन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन नंबर वन की थर्ड पार्ट के लिए आंसर ये होगा, फोर्थ पार्ट के लिए आंसर ये होगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस इजी हैं, आपको होमवर्क से करने हैं और क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है ये सोच के कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि बच्चा मैथ्स में प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी तो आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, बट जब तक आप उनको अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। बाकी चैप्टर्स ये टफ हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बर्डन ना लगे और क्वेश्चंस भी इजी लगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, एक बार इनको नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड हुज जनरेटिंग लाइन पासेस थ्रू द कॉनिक x² + y² + b² = 1 and z = 0। मैंने क्या बताया, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, x माइनस पॉइंट्स आपको दे रखे वर्टेक्स पे अल्फा बीटा गामा, तो x1 की वैल्यू अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n, इसको लेट करोगे इक्वेशन फर्स्ट। आपको गिवन क्या क्या है, कॉनिक की इक्वेशंस आपको दे रखी है x² / a² + y² / b² = 1, इसको लेट करोगे इक्वेशन सेकंड, एंड जेड इज इक्वल्स टू 0, इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड से जेड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, कितना आएगा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो माइनस के गामा अपॉन एन। यहां से डायरेक्टली किसकी वैल्यूज निकालोगे आप, एक बार फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास में क्या, अल्फा माइनस के एल गामा अपॉन एन, वाई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपके पास में, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, और जेड इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ये जो पॉइंट आया ये किसको सेटिस्फाई करेगा, आपका इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। यहां से देखिए आपको एल अपॉन एन और एम अपॉन एन की वैल्यूज चाहिएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट से एल अपॉन एन की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखोगे, एल को इधर लेके जाओगे तो एल अपॉन एन किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा के,
और सेकंड क्या चाहिए हमें, m अपॉन n, तो m को इधर लेके जाओगे तो m अपॉन n किसके इक्वल आएगा, y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा के इक्वल आएगा। तो यहां से आगे देखिए, सो द पॉइंट्स, पॉइंट्स आपके पास में क्या क्या है, x की वैल्यू आई अल्फा माइनस l गामा अपॉन n, y की वैल्यू आई बीटा माइनस m गामा अपॉन n, और z की वैल्यू कितनी आई, जीरो। विल सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करेंगी, तो इक्वेशन सेकंड में x और y की वैल्यू पुट कीजिए, क्या टर्म आ जाएगी, x स्क्वायर है 1 अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर की वैल्यू यानी x की वैल्यू पुट करोगे अल्फा माइनस l गामा अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बीटा माइनस m गामा अपॉन n, और इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 1। यहां पे जो वैल्यूज हमने निकाल ली l अपॉन n और m अपॉन n की, वो वैल्यूज पुट कीजिए, तो 1 अपॉन a स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस गामा, एल अपॉन एन के प्लेस पे क्या पुट करोगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि अंदर स्मॉल है, बीटा माइनस गामा एम अपॉन एन की वैल्यूज पुट कीजिए कितनी है, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा, माइनस गामा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के गामा एक्स माइनस माइनस प्लस के अल्फा गामा, यहाँ से देखिए होल स्क्वायर चल रहा है, इट मीन्स आप लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर और अपॉन में टर्म आएगी जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से टर्म देखिए क्या आएगी आपके पास में, बीटा किस में मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा जेड माइनस बीटा गामा, माइनस गामा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे वाई गामा माइनस माइनस प्लस के बीटा गामा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। सभी क्वेश्चंस बच्चे बिल्कुल सेम ही होंगे, इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी, तो दोनों में से कॉमन लेके उधर पहुंचा दोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी इंटू में है, ये भी उधर पहुंच जाएगा, तो आपके पास में टर्म क्या बचेगी, इससे ये कैंसिल आउट, इसमें इससे ये कैंसिल आउट, तो इधर टर्म बच गई अल्फा जेड माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से टर्म क्या बचेगी, बीटा जेड माइनस वाई गामा का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में क्या चले जाएंगे, ये नीचे वाले टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो सभी क्वेश्चंस बच्चे इसमें बिल्कुल इसी टाइप से होंगे आपके, तो इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको इसमें, क्या जब हमने ये कॉमन लिया, ये तो इसमें दोनों में कॉमन था, तो कॉमन लेके उधर पूछाते जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर थोड़ी कॉमन है, इसके अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 अपॉन बी, सॉरी इसके इंटू में 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसके इंटू में 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ए बी स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे टर्म आएगी ए स्क्वायर, और तब जो अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा वो आपका यहाँ जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए, ये आ जाएगा इसमें आपका आंसर। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसमें अपने आप करना होगा, तो इसलिए ध्यान से समझना, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं उनसे। क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ कॉन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो इसका भी सबसे पहले मेथड समझिए, क्योंकि मेथड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो आपको इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो आप उसको क्या बनाओगे, होमोजीनियस इक्वेशन बनाओगे विद द सेम डिग्री, तो उसके लिए आप किसी भी एक वेरिएबल को लेट कर लोगे, चाहे आप के लेट कर लो, टी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, तो जिस वेरिएबल को आप लेट करोगे उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाओगे, फिर क्या करोगे, जो इक्वेशन आएगी उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड और विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास में इस कंडीशन में 4 इक्वेशंस आएंगी,
फिर आप चारों इक्वेशंस में क्या करोगे, t इज इक्वल्स टू 1 पुट करके इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो वहां से फिर से आपको चार इक्वेशंस मिलेंगी। तो स्टार्टिंग की 3 इक्वेशंस से आप x, y, z की वैल्यूज निकालोगे और इक्वेशन 4 में पुट कर दोगे उन वैल्यूज को। तो जब इक्वेशन 4th में आप पुट करोगे तो वहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा, जो x, y, z की, एक तो इसमें ध्यान रखना जो x, y और z की वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे, इनके वर्टेक्स के पॉइंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे या तो पूछ लेगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वर्टेक्स के, या फिर वो शो करने के लिए बोल देगा कि एंड शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स इज दिस, ठीक है। तो जो x, y, z की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टेक्स के। उसके बाद में x, y, z की वैल्यूज को जब आप इक्वेशन नंबर, जो आपकी इक्वेशन आएगी 4th नंबर वाली, उसमें पुट करोगे, तब आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कौन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है वो लिख लेंगे, गिवन दैट, जो इक्वेशन गिवन है वो किस फंक्शन की फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ x, y और z की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, आगे वाले टर्म्स लिख लेना, इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसको लाइट करोगे कि आप इक्वेशन नंबर 1, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में जो आपके टर्म्स ऑलरेडी सेकंड डिग्री की हैं उनको तो रहने दोगे, बाकी जो टर्म्स सेकंड डिग्री की नहीं है उनके लिए एक वेरिएबल ऐड करोगे, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और उसकी मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि वो भी सेकंड डिग्री की बन जाए। तो लेट अ वेरिएबल टी, लेट ए वेरिएबल टी एंड मेकिंग इक्वेशन फर्स्ट होमोजीनियस, होमोजीनियस with the help of t, with the help of t we get, अब इक्वेशन फर्स्ट आप यहां से देख सकते हो इजीली। तो जो आपके स्टार्टिंग की, ये भी आपके 2 डिग्री की टर्म है, ये भी 2 डिग्री की, ये भी 2 डिग्री की, यहां पे x की डिग्री 1 y की 1, इट मींस ये भी 2 डिग्री की है, ये भी 2 डिग्री की है, और बाकी की ये तीनों टर्म्स जो है चारों ये कितने की है, 1 डिग्री की है। तो एक तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ये तीनों तो 1 डिग्री की है, 4 जो है 4 के इनटू में तो कुछ भी नहीं है यानी कि वो 0 डिग्री की है। तो इसमें तो आप क्या कर दोगे, सभी टर्म्स में t की मल्टीप्लाई कर दोगे और इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, t स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आएगी, फंक्शन ऑफ x, y, z और t की फॉर्म में आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस के 12xt माइनस के 11yt प्लस के 6zt प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इन सभी टर्म्स में t की मल्टीप्लाई कर दी और लास्ट वाले टर्म में t स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी। अब ये जो इक्वेशन है इसको ऐड करोगे आप इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, y, z और t। तो लिख देना पुटिंग, सॉरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t। देखिए यहाँ से जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, इसलिए डेल का यूज करोगे, x का करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 x, यहाँ पे x है तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 2y आ जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ से कितना आएगा प्लस के 12t, ठीक है। उसके बाद में किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, y के रिस्पेक्ट में करोगे, सो y के रिस्पेक्ट में करोगे आपको क्या मिलेगा, डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू। तो कीजिए यहाँ पे माइनस के 2y हो जाएगा, यहाँ पे y है, y का डिफरेंशिएशन 1 कितना आएगा प्लस के 2x, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस के 3z, यहाँ से आएगा आपके पास में माइनस के 11y, बाकी कुछ नहीं आएगा। यहाँ से ऊपर देखिए डेल f का करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4z, यहाँ से z का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस के 3y, यहाँ से z का डिफरेंशिएशन 1 तो प्लस के 60, बस। उसके बाद में t के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल f अपॉन डेल t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए t का डिफरेंशिएशन 1 तो टर्म कितनी बचेगी 12x, यहाँ से कितना आएगा माइनस के 11y प्लस के 6z और प्लस के 4 2 जा 8t इज इक्वल्स, बस इज इक्वल्स टू में कुछ नहीं। अब ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन ये और ये दोनों, इन चारों इक्वेशंस को मिला के लेट कर लेना इक्वेशन नंबर ए।
वरना तो काफी ज्यादा इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। चाहे तो इसको 3, 4, 5 और 6 ऐसे भी करके ऐड कर सकते हो। तो चारों इक्वेशंस में क्या करोगे आप, टी के प्लेस पे 1 पुट करके और इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो लिख देंगे पुटिंग टी इज इक्वल्स टू वन इन ईच ऑफ द रिलेशन, इसको एक इक्वेशन ऐड कर लेना चारों को मिला के, इन ईच ऑफ द रिलेशन इन ए एंड देन इक्वेटिंग देम टू 0, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे सभी इक्वेशंस को। तो यहां से देखिए जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो इट मींस यहां से आपको 8x प्लस 2y और प्लस 12 टी के प्लेस पे 1 पुट करोगे इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन मिलेगी। इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर स्मॉल ए। सेकंड इक्वेशन से देखिए इसमें क्या करोगे, माइनस के 2y प्लस के 2x माइनस के 3z और माइनस के 11y कहां से आ गया ये। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, जब हमने डिफरेंशिएशन किया था वाई के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे आपका वाई नहीं आएगा, यहाँ पे आपका टी था वो, ठीक है। यहाँ पे 11t था, टर्म क्या आएगी 11t। तो यहाँ से टी का क्या रखोगे, टी के प्लेस पे 1 पुट करोगे इज इक्वल्स टू में 0, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर बी। उसके बाद में इक्वेशन ये वाली देखिए, इसमें क्या है 4z माइनस के 3y प्लस के 6, टी के प्लेस पे 1 रखोगे इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। लास्ट इक्वेशन देखिए 12x माइनस के 11y प्लस के 6z प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 0, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन सी और इसको ऐड कर लोगे इक्वेशन डी। तो अब ये जो आपके पास में चार इक्वेशंस आई इनको आप सॉल्व करोगे इक्वेशन ए बी सी से, किसकी वैल्यूज निकालोगे एक्स वाई जेड की, जो कि आपके वर्टेक्स के पॉइंट होंगे, और इक्वेशन डी में उन पॉइंट्स को पुट करोगे तो इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई कर दे उन पॉइंट्स को लेके तो इट मींस जो इक्वेशन आपको गिवन है वो कौन की इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। तो इक्वेशन ए बी और सी से देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, इक्वेशन ए और बी को ऐड कीजिए तो आपके वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन ए में ऐड कर दोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर बी को। तो यहां से देखिए 8x और 2x कितने हो जाएंगे 10x, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 3z प्लस 12 माइनस 11 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट यहां से आप किसकी वैल्यू निकालो, z की निकाल लोगे, कितने आ जाएंगे 10x प्लस के 1 अपॉन 3। उसके बाद में इक्वेशन नंबर आप देखिए ए से, इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि किसकी वैल्यू z की हमें मिल चुकी है, y की निकाल लेंगे इक्वेशन सी में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन ए कौन सी है आपकी, ये वाली। यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाले कितनी आएगी माइनस के 4x माइनस 6। y और z की वैल्यूज को इक्वेशन सी में पुट कर देना, तो लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन सी, लिख देना इस चीज को। तो देखिए इक्वेशन सी आपकी ए रही, तो 4z के प्लेस पे z की वैल्यू पुट करोगे 10x प्लस के 1 अपॉन 3 माइनस 3, y की वैल्यू पुट करोगे माइनस के 4x माइनस 6 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इनको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 4 times 40x प्लस 4 माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, अपॉन में 3 चल रहा है, 4 3 12x माइनस माइनस प्लस के 18 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3 के में मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से ध्यान देना 18 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास में ऐड होके 24, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस के 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा 40x प्लस 4 प्लस 12 36x प्लस 3 4 12, 3 2 6 और 1 72 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे देखिएगा इसको सॉल्व करोगे आप तो 40x और 36x ऐड होके कितने हो जाएंगे 76x, 72 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 76 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 76 अपॉन 76 यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस के 1। इस वैल्यू को क्या कर दोगे आप, इक्वेशन नंबर आपकी ए में पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए से आपको y की वैल्यू मिलेगी, x के प्लेस पे माइनस 1 पुट करोगे कितना आएगा माइनस 8 प्लस के 2y और प्लस के 12 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 12 और माइनस 8 कितना हो जाएगा प्लस 4, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा माइनस में चेंज, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 4/2 यानी कि 2 2s are 4, सो इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको माइनस 2 मिल जाएगी।
z की वैल्यू और निकालनी है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस टू किसमें पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सी, इक्वेशन सी से देखिए कितना हो जाएगा, 4z माइनस 3, y के प्लेस पे माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 2 जा 6 एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4z इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस 3 आ जाएगी। इट मीन्स आपके पास में पॉइंट क्या आ गई, x y z की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये तो आपके वर्टेक्स के पॉइंट आ गए। अब अगर ये तीनों पॉइंट आपकी इक्वेशन नंबर डी को सेटिस्फाई कर दे तो इट मीन्स जो इक्वेशन गिवन है वो कौन की थी, अदरवाइज नहीं। तो लिख दोगे आप क्या, सो वी हैव x इज इक्वल्स टू माइनस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 और z इज इक्वल्स टू माइनस 3। सो लिखोगे पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x y z इन इक्वेशन डी, तो यहाँ से देखिए 12 x के प्लेस पे माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 12 हो जाएगा, y के प्लेस पे माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 22 हो जाएगा, z के प्लेस पे माइनस 3 पुट करोगे तो कितना जाएगा माइनस के 18 और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से टर्म देखिए माइनस 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 30, ये 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 0। जो x y z की वैल्यूज आई वो आपकी इक्वेशन डी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई करनी है। इट मींस जो इक्वेशन आपको गिवन थी वो कौन की इक्वेशन थी, तो लास्ट में देखिए आप क्या लिखोगे, हेंस द पॉइंट्स x y z सेटिस्फाइज द इक्वेशन डी, सेटिस्फाइड द इक्वेशन डी, सो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स इज, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स की वैल्यू माइनस 1, वाई की माइनस 2 और जेड की माइनस 3, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो हमारी कौन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गए, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 आ गए। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है। एक बार मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम थर्ड की तरह है, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ कोन, शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 1 माइनस 2 3। इस बार आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया, पिछली बार आपसे क्या कर रहा था वो फाइंड करने के लिए बोल रहा था, लेकिन प्रूफ करने में आपको फायदा क्या है, इसमें आपको पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है कि जो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की माइनस 2 और जेड की 3। तो क्वेश्चन सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है, ये आपका होमवर्क है। तो जितने क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए हैं उनको कवर कर लेना, कोई भी आपको स्किप नहीं करना कि बाद में कर लेंगे। सो इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होती है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।